बच्चे, हमने बेटा लास्ट टाइम हम कर रहे थे इनहेरिटेंस के बारे में, एंड वी हैड डन मेंडल्स टू लॉज, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, राइट। तो आज हमने करना है एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या क्या एक्सेप्शन है? फर्स्ट आ जाता है बेटा इनकम्प्लीट डोमेन, स्टडीड बाय वराइज, डी वराइज इन स्नैप ड्रैगन। ये फ्लावर है स्नैप ड्रैगन, जिसका बोटेनिकल नेम है एंटीराइना। इसमें उन्होंने क्या देखा, टू प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड विद रिस्पेक्ट टू, कौन सा देखा करेक्टर, फ्लावर कलर। ध्यान से पहले देखना, कौन से प्योर ब्रीडिंग थे, दैट इज दिस इज प्योर रेड, दिस इज प्योर व्हाइट। फिर इसका क्या किया बेटा, देन ही डिड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या किया, दिस रेड कलर्ड फ्लावर्स आर क्रॉस्ड विद व्हाइट कलर्ड फ्लावर्स, हियर गैमेट विल बी दिस वन, दिस इज ये गैमेट्स है, ये फर्टिलाइजेशन हुई और क्या बना, कैपिटल आर स्मॉल आर। हाँ जी मयंक, क्या होगा ये इनका, ये रेड था, दिस इज रेड फ्लावर्स, दिस इज व्हाइट फ्लावर्स। तो अब मुझे ये बताइए कैपिटल आर स्मॉल आर ये क्या होंगे? मैम कैपिटल आर डोमिनेंट रहेगा और स्मॉल आर रिसेसिव। नहीं वो तो है ही है, कैपिटल आर जो है वो डोमिनेंट है, स्मॉल आर रिसेसिव है। हाँ जी हेलो सक्षम, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। तो ये अभी हमने बेटा ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, अभी हमने शुरू किया है। ये भी सिंपल हमने मोनोहाइब्रिड किया है, कौन सा प्लांट, एंटीराइनम प्लांट। तो इसके रेड कलर प्लांट्स, these are crossed with white colored flowers, ठीक है, red, ये pure red है, ये pure white है, homozygous है, इनके gametes बने, monohybrid crossing हुई, ये बना। हाँ जी सक्षम आप बताओ इसका phenotype क्या होगा, genotype तो मैंने बता दिया capital R small R, कौन से color के flowers होंगे इन plants पर? Yes मयंक सक्षम जल्दी से, मैम रेड कलर के, रेड कलर की। हाँ जी सक्षम इज इट ओके, मैम रेड क्यों होंगे आप बताओ कौन से और होंगे? हमने यहाँ पे कल जो हमने किया था वो हमने कहा था जब टॉल को हमने ड्वार्फ से क्रॉस किया ये बना हाइब्रिड, बट ये क्या था, टॉल ही था, क्योंकि टॉलनेस जो है वो क्या है, डोमिनेंट ओवर ड्वार्फनेस। Is it right? Section? Yes, ma'am. Law of dominance में कहा था, out of two factors, if one is dominant, other is recessive, then only dominant factor expresses itself. Here, red is dominant over white. Then, what should be the color of these flowers?
हाँ जी सक्षम, जल्दी से। जब रेड व्हाइट पे डोमिनेंट है, आर की फैक्टर आ गया, व्हाइट का फैक्टर है, तो डोमिनेंट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ, द फ्लावर शुड बी रेड, इजंट इट सक्षम? यस मैम। ये किसके अकॉर्डिंग होता? मेंडल के अकॉर्डिंग, बट हमें या साइंटिस्ट थे उनको स्नैप ड्रैगन में ये रेड फ्लावर्स मिले नहीं। दीज आर पिंक फ्लावर्स, दिस इज इन F1 जनरेशन। फिर नेक्स्ट आ जाते, पहले ध्यान से करना बेटा, सेल्फिंग ऑफ F1, इसकी क्रॉसिंग की। अब क्या हुआ सक्षम, जल्दी से बताओ बेटा, कौन से दो गैमेट्स बने यहाँ पे? क्विक मैम, कैपिटल आर और स्मॉल आर। हाँ, और यहाँ पे भी वही दो गैमेट्स बने, और जब इनकी क्रॉसिंग हुई, फर्टिलाइजेशन हुई, तो 1 2 कैपिटल आर स्मॉल आर एंड 1 small r small r। एफएल कलर की फुल फॉर्म क्या है? एफएल कलर क्या है इसकी बेटा? एफएल कलर, ये क्या लिखा है आपने? विद रिस्पेक्ट टू एफएल, विद रिस्पेक्ट टू फ्लावर कलर, फ्लावर कलर, ठीक है? पहले समझो बेटा, भव्य इधर ध्यान, बाद में लिखना बच्चे, ठीक है? तो अब यहाँ पे रेशो, दीज आर रेड पिंक एंड व्हाइट, दिस इज ये है F2 जेनरेशन, ठीक है? अब इसी का मैं बता रही हूं जीनोटिपिक रेशो इन F2, इट इज 1:2:1, 1 कैपिटल होमोजाइगस, यहां पे हम कह सकते हैं इसमें 1 क्या है? होमोजाइगस डोमिनेंट। तो 2 क्या है? हेट्रोजाइगस, अभी हम डोमिनेंट तो नहीं कहेंगे बट हेट्रोजाइगस, और फिर 1 क्या है? होमोजाइगस रिसेसिव। ये थी जीनोटिपिक रेशियो, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बेटा फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो क्या है? इट इज अगेन 1 red 2 pink is to 1 white। बेटा अब मुझे हरगुण, जरा आप मुझे बताओ बेटा, जो मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस था उसमें जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो क्या डिफरेंट थी कि सेम थी? मैम डिफरेंट। कैसे थी डिफरेंट? जीनोटिपिक क्या थी? मैम 1:1, 1:2:1, और फिनोटिपिक क्या थी जो बाहर से दिखती थी? मैम 3:1 बेटा, देखो दोबारा भूल जाते हो, ये तो एकदम याद होनी चाहिए कि जब हम इसको क्रॉस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? कैपिटल टी, ये और ये, जीनोटिपिक तो ये है, जबकि ये फिनोटाइप अगर देखें तो एंड ड्वार्फ 3:1 फिनोटाइप एंड 1:2:1 जीनोटाइप।
इज इट ओके? याद आया थोड़ा सा? बट यस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में अगर आप देख रहे हैं जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1, फिनोटिपिक रेशियो 1:2:1. दिस शोज दैट कि क्या है इनकम, पहली बात तो कि F1 में जब हमने रेड और व्हाइट को क्रॉस किया तो कौन से कलर्स है? पिंक. तो ऐसे लगता है ब्लेंडिंग हो रही है, रेड और व्हाइट दोनों मिक्स होके पिंक कलर बना रहे हैं. तो ऐसे लगता है कि अब ये पिंक फ्लावर्स जब इनकी सेल्फिंग करेंगे तो हमें पिंक फ्लावर्स ही मिलेंगे, जबकि ऐसा हुआ नहीं. जब इनकी सेल्फिंग की, पिंक और पिंक को आपस में सेल्फिंग की, तो हमें रेड भी मिले, व्हाइट भी मिले और पिंक भी मिले. रेड और व्हाइट तभी आ सकते हैं अगर ब्लेंडिंग ना हुई हो. ठीक है, चलिए पहली बात तो इट इज नॉट द ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस. सेकेंड थिंग, व्हाई पिंक इज फॉर्म? बिकॉज दिस कैपिटल आर इट शोज इनकम्प्लीट डोमिनेंस. It cannot repress completely this small r. Therefore, when the two comes together, the small r also expresses itself something. बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा express किया, so that pink flowers are formed. But in F2, red and white are again formed due to segregation. वो तो हम कहते हैं, right? तो इसका क्या conclusion था? पहले ध्यान से कॉपी नीचे, बिल्कुल ध्यान इधर बेटा, नहीं तो तभी भूलते हो. कंक्लूजन, नो ब्लेंडिंग ऑफ रेड एंड व्हाइट कलर. पहली बात तो ब्लेंडिंग नहीं है. Pink color of flowers is due to incomplete dominance of capital R factor ya gene ya element. Capital R cannot completely suppress the effect of smaller. Therefore, along with capital R, comma, small r also express to a small extent thus producing pink flower. So this is incomplete inheritance. और इसका एक क्या चीज है, इसका कैसे पता चलेगा कि incomplete inheritance है? Mainly जो है that is it is shown by It is shown by same F2 genotypic and phenotypic ratio. आपको क्वेश्चन आ जाता है कि when the genotypic and phenotypic ratio is 1:2:1 in F2 generation, then what is the case of inheritance या which type of inheritance they show? So the gene show incomplete dominance. Is it okay? समझ में आई मेरी बात? ठीक है? पता चला कि नहीं? Everybody? Yes, ma'am. Yes. चलिए ये पहले करो और फिर हम आगे चलते हैं. ये कहा जाए कि प्लांट ए है जिसमें F2 जीनोटाइप है 1:2:1 और फिनोटाइप है 3:1. प्लांट बी है F2 रेशियो जीनोटाइप और फिनोटाइप सेम है. देन व्हाट इज द डिफरेंस?
तो हम क्या कहेंगे कि प्लांट ए, इन प्लांट ए द करेक्टर इज शोइंग कंप्लीट डोमिनेंस एंड इन प्लांट बी द करेक्टर इज शोइंग इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इजंट इट? तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का हमें कैसे पता चलता है एकदम, कैसे पता हम कैसे, कि जब हमें जीनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो बताई जाएगी तो हम कहेंगे भी ये सेम है तो इसका मतलब इट इज शोइंग इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, अनदर एग्जाम्पल इज या अनदर टाइप या एक्सेप्शन इज कोडोमिनेंस। इसके पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल है ब्लड ग्रुप, decided by the antigen present on RBCs antigens are formed by the gene, specific gene, SP मतलब specific gene and its alleles, कौन सी, that is कौन सी है, I A, ऐसे लिख लो या ऊपर लिख लो I A, it forms antigen A, IB forms antigen B, small I, no antigen is formed. Small I जो है, it is the recessive allele. अब यहाँ पे आप दो चीजें देख रहे हो कि एक जीन जो है, हमने अभी तक क्या किया था, एक जीन टॉलनेस की जीन है, उसकी दो एलील्स है, कैपिटल टी स्मॉल टी, बट यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप है उसकी तीन एलील्स है पॉपुलेशन में, पूरी सारे ह्यूमंस में थ्री टाइप की एलील्स मिल जाएंगी, बट एक ह्यूमन में तो दो ही एलील्स मिलेंगी, आई ए स्मॉल आई, आई बी स्मॉल आई या कोई सी, ठीक है? तो ये है, अब जीनोटाइप्स क्या हो सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एंटीजन क्या होंगे अगर जीनोटाइप क्या है, और फिर ब्लड ग्रुप क्या है। अगर जीनोटाइप है होमोजाइगस फॉर दिस, एंटीजन क्या बनेगा ए, और ब्लड ग्रुप क्या होगा, ये भी ए होगा। अगर यहां पे बताइए सरगम कौन सा एंटीजन होगा, आपको पता है ये रिसेसिव है ये डोमिनेंट है, तो एंटीजन क्या होगा सरगम, मैम स्मॉल आई, नहीं बेटा कैसे, ये तो रिसेसिव है बेटा स्मॉल आई, तो मैं ठीक बोल रहा है, ये डोमिनेंट एलील है, आपको मैंने बताया ये वाली एलील एंटीजन ए बनाती है, ये एलील एंटीजन बी बनाती है, ये कोई एंटीजन बनाती नहीं है, यहाँ पे ये जीनोटाइप है तो कौन सा एंटीजन बनाएंगे सर, ध्यान से, मैम ए, ए एंटीजन बनाएंगे और ब्लड ग्रुप होगा। शिवांशी अगर ये जीनोटाइप है एंटीजन कौन सा बनेगा, मैम ए, देखा ए कैसे बनेगा, कहाँ है ए, सॉरी बी बनेगा, बी बनेगा,
और ब्लड ग्रुप बी भी होगा। हाँ जी बोल रहे हैं, अगर ये जीनोटाइप है तो कौन सा एंटीजन बनेगा? दोनों साइड भी हो जाएगा। दोनों साइड मतलब ये एंटीजन भी बी और ब्लड ग्रुप भी बी। ठीक है, अब अर्शवी अगर ये जीनोटाइप होगा तो कौन सा एंटीजन बनेगा? मैम नो एंटीजन इज फॉर्म्ड। नो एंटीजन इज फॉर्म्ड। ब्लड ग्रुप यहाँ पे हम कहेंगे ओ, हम ओ कह देते हैं बट इट कैन बी जीरो, जीरो को जीरो लेते हैं इसलिए हमने ओ कह दिया। ठीक है, और अगर हमारा यहाँ पे मतलब इससे ज्यादा है तो अगर दोनों एलील्स होंगे तो दोनों एंटीजन्स बनेंगे। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप विल बी ए बी। सो इन दिस केस बोथ आई ए एंड आई बी व्हेन प्रेजेंट टुगेदर एक्सप्रेस इक्वली ठीक है जी, एक्सप्रेस इक्वली एंड फॉर्म बोथ एंटीजन। सच एलील्स which co-dominate when present together, co-dominant का मतलब है express equally, which co-dominate when present together, है ना यहाँ पे थोड़ा सा when present together are called as co-dominant alleles. और इसका अगर हम let us say IA आई ए इंटू आई बी आई बी इट विल प्रोड्यूस आई ए आई बी इन एफ वन जेनरेशन। सो इट इज ऑल ऑर्गेनिजम्स विद ए बी ब्लड ग्रुप्स। और जब हम आई ए आई बी करते हैं तो हमें रेशियो क्या मिलती है? टू आई ए आई बी एंड वन आई बी आई बी। तो वन इज टू टू इज टू वन। जीनोटाइप भी यही है और फीनोटाइप भी यही है, वन ए ब्लड ग्रुप टू ए बी ब्लड ग्रुप एंड वन बी ब्लड ग्रुप। इज इट राइट? सो को डोमिनेंट एलील्स में भी जीनोटाइप एंड फीनोटाइप रेशियो सेम है, that is 1:2:1. is it okay? So dhyan se dobara se, in blood groups IA is dominant over small I, IB is dominant over small I, but IA and IB are co-dominant. likho pehle ye, fir main definition likhati hu. beta हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि बायोकेमिकल बेसिस ऑफ, ध्यान से ये बिल्कुल पेन नीचे रख के समझना है, बायोकेमिकल
bases of blood group antigens. जो ब्लड ग्रुप एंटीजन्स आर ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है जी। आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, दैट इज शुगर, है ना, ब्रैकेट में लिख लेना स्पेसिफिकली। आपकी बुक में मैं लाइन पढ़ के आपको बता देती हूँ दैट कि दे एक्सप्रेसेस एज शुगर मॉइटी। हम यहाँ पे लिखा है ब्लड ग्रुप एंटीजन्स आर शुगर मॉइटी, मतलब शुगर्स की थोड़ी सी डिफरेंट टाइप्स है डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स में या शुगर के डेरिवेटिव्स है। हमने यहाँ पे किया ग्लाइकोप्रोटीन मतलब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, विच प्रोट्रूड आउट, बाहर को निकलते हैं, प्रोट्रूड आउट फ्रॉम द लिपिड मेम्ब्रेन। ध्यान से सुनना है, लिपिड मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। एंटीजन ए एंड एंटीजन बी सब कुछ सेम है, ठीक है, डिफर ओनली इन द लास्ट मोनोसैकेराइड ऑफ पॉलीसैकेराइड चेन। पॉलीसैकेराइड या हम कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट चेन, बाकी सब सेम है। देखो आप सोचो प्रोटीन सेम है, उसके बाद ये पॉलीसैकेराइड था, बहुत सारी यहां पे ब्रांचेस भी है, बट ये जो है सिर्फ एंटीजन ए और बी में, ये सिर्फ लास्ट वाली जो शुगर है वो डिफरेंट है, बाकी कुछ भी डिफर नहीं करता है। इन एंटीजन ए द टर्मिनल शुगर इज एन एसिटाइल अल्फा डी ग्लाइकोसिनिल। इसमें जो है लास्ट शुगर कौन सी है, टर्मिनल शुगर कौन सी है, एन एसिटाइल अल्फा डी ग्लाइकोसिनिल। इन एंटीजन बी द टर्मिनल शुगर इज सिंपल अल्फा डी गैलेक्टोज। इज इट ओके? सो आई ए जीन, इसने शुगर नहीं बनाई, आई ए जीन फॉर्म द एंजाइम which adds an acetyl
alpha D galactosamine sugar at the end. तो इसका मतलब क्या है? जीन्स क्या बना रही है? ये एंजाइम्स बना रही है. वेयर एज आई बी जीन फॉर्म द एंजाइम दैट एड्स एल्फा डी. आपने पूरा लिखना है गैलेक्टोज एल्फा टर्मिनल शुगर इन पॉलीसेकेराइड चेन. सिर्फ इतना सा फर्क है, बाकी कुछ भी फर्क नहीं है. इज इट राइट? तो यहां पे एक चीज आपने और लिखनी है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग was done by Landsteiner. Whereas genetic concept, ठीक है, genetic concept of ABO blood group, it was given by Watkin. Genetic concept of biochemicals by Watkins. ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये पॉइंट लिख लेना है, फिर बायोकेमिकल बेसिस लिखो. ये मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से होता है. इज इट ओके? यस मैम. तो दस राइट ऑन दस. अब ये चाहे रेड पेन से लिख लेना. दस इन ब्लड ग्रुप जीन आई हैज थ्री एलील्स. मैं कंक्लूड कर रही हूं, कौन सी एलील्स? आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई. ठीक है, ह्यूमंस बीइंग डिप्लॉयड टू एन has any of two alleles. जो human है, any human हम कह सकते हैं, या one human being is diploid and thus has, थोड़ा सा इसको modify कर लो, and thus has any of two alleles. Next point, IA, write down, IA and IB, IA and IB are completely dominant over small I. As small I does not produce any sugar. Whereas IA and IB produce
whereas IA and IB produce a slightly different form of sugar. Slightly different form of sugar. ठीक है जी. आई ए एंड स्मॉल आई डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप. आई बी एंड स्मॉल आई डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप. आई ए एंड आई बी कोडोमिनेंट. They show codominance. In codominant alleles also, F2 genotypic and phenotypic ratios are same. Genotypic and phenotypic ratios are same. ठीक है जी. Another example of codominance. एक तो blood group की example बता दी. Second, another B example है sickle cell anemia. ये क्या चीज है सिकल सेल एनीमिया? क्या है? एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें आरबीसी जो है वो सिकल शेप्ड बन जाते हैं. ये कैसे? देखिए हम नॉर्मल हीमोग्लोबिन has 4 polypeptide chains. That is 2 alpha chains and 2 beta chains. HBA gene for hemoglobin. ठीक है. So humans have, इसकी कोई ऐसा म्यूटेशन नहीं हुई. HBA HBA दो एलील्स ऐसी ही होती है. अब अगर म्यूटेशन हुई है कोई कुछ में, म्यूटेशन ऑफ HBA प्रोड्यूसर्स HBS. यहां पर इफ HBS HBS हो जाए, होमोजाइगस म्यूटेटेड जो है ये आ जाए, देन पर्सन सफर्स फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया. ठीक है. इसमें क्या है? एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन इज फॉर्म. ठीक है. दैट हैज लेस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी.
तीसरा क्या चीज और क्या है? एबनॉर्मल कॉइलिंग ऑफ हीमोग्लोबिन, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल हो गया, उसकी एबनॉर्मल कॉइलिंग हो रही है. ऑल्सो मॉडिफाइड also modifies shape of RBCs. RBCs की शेप जो है वो चेंज हो जाती है. कैसे? नॉर्मल बाय कन्वेक्स RBCs changes to इस तरह से, this is sickle, sickle shaped RBCs. ठीक है जी. और क्या होता है कि ये sickle shaped RBCs ये क्या करते हैं? They block narrow blood vessels. ठीक है. And it may cause death due to कैसे? Less oxygen. Blocking of blood vessels. Is it okay? ये कब है? जब कौन सी कंडीशन आती है? HBS, HBS कंडीशन आती है. बट अगर कंडीशन हो जाए HBA, HBS, हेट्रोजाइगस कंडीशन हो जाए, ठीक है, एक तो ये हो गया HBA, HBA नॉर्मल है, ये सेकंड है. और थर्ड कंडीशन आ जाती है बेटा HBA, HBS. इसमें क्या है? कौन सा डोमिनेंट, कौन सा रिसेसिव? कोई भी नहीं. दीज आर co-dominant alleles. Both normal and sickle type of hemoglobin is formed. In normal environmental oxygen, RBCs having sickle type hemoglobin do not distort. अगर बेटा ये condition होगी तो distortion होगी, क्योंकि cells में oxygen बहुत कम, body में बहुत कम है. यहाँ पे नॉर्मल ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में है और बॉडी में भी, क्योंकि आधा हीमोग्लोबिन नॉर्मल है तो सफिशिएंट ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, इसलिए आरबीसीज की शेप डिस्टॉर्ट नहीं होती है. नॉर्मल हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट सफिशिएंट ऑक्सीजन to cells and tissues. Thus, no disease. So heterozygous for sickle cell anemia are normal people.
they are carrier for sickle cell anemia, but all they are normal. So this means they are co-dominant. ऐसा नहीं है कि ये म्यूटेटेड एलील ने इसको सप्रेस कर दिया है या जो पहले वाली एलील थी उसने म्यूटेटेड वाले को सप्रेस कर दिया, ऐसा नहीं है. दोनों कोडोमिनेंट है, एक साथ इकट्ठे रह सकती है. सिकल सेल वाला अपना एक्सप्रेशन शो करती है और नॉर्मल अपना एक्सप्रेशन शो करती है. बट नॉर्मल वाला जो सेल्स है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन इतना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर देती है कि जरूरत ही नहीं, मतलब ये चाहे थोड़ा या ये सिकल से ही हीमोग्लोबिन भी बन रहा है, बट सेल्स को टिश्यूज को सफिशियंट ऑक्सीजन मिल रही है. क्योंकि बॉडी में सफिशियंट ऑक्सीजन जा रही है, तो उस केस में जो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन वाले जो आरबीसी है उनकी शेप डिस्टॉर्ब नहीं होती, राइट. तो अब यहाँ पे मैंने एक चीज आपको बतानी है कि चलो फिर बाद में बताती हूँ, पहले आप ये लिख लो फिर मैं आपको आगे बताती हूँ. यहाँ पे आपने इसके साथ ही थर्ड पॉइंट में ही एक बॉक्स में लिख लेना है बेटा. राइट डाउन इन बॉक्स इन ऑक्सीजन स्ट्रेस कंडीशंस. अगर मतलब हिली स्टेशन पे if human being is HbA/HbS, the RBCs get distorted and may block capillaries, the blood vessels. हेट्रोजाइगस वैसे तो नॉर्मल होते हैं, बट दे मे सफर, है ना, एंड मे ब्लॉक ब्लड वेसल्स और मे सफर फ्रॉम एनीमिया. ठीक है, जरूरी नहीं कि ब्लॉकिंग हो जाए, बट दे मे सफर फ्रॉम एनीमिया. ठीक है, तो हेट्रोजाइगस को कहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी, जहां पे एनवायरनमेंट में लद्दाख चले जाएं या उससे ऊपर चले जाएं, ठीक है, जहां पे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम है वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज हेट्रोजाइगोट्स आर कंप्लीटली नॉर्मल. ठीक है जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं, इसी में ही हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा. In sickle type hemoglobin, क्या फर्क है? In beta chain at sixth position, किसकी chain है beta chain? ये पॉलीपेप्टाइड है, प्रोटीन की चेन है, फॉर्म द चेन ऑफ अमीनो एसिड्स. सिक्स पोजीशन पे अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड, कौन सा अमीनो एसिड? ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय another amino acid valine. ठीक है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है. नॉर्मल हीमोग्लोबिन में बीटा चेन में जो सिक्स अमीनो एसिड है वो ग्लूटामिक एसिड होता है, बट सिकल टाइप हीमोग्लोबिन में सिक्स अमीनो एसिड विलाइन है, जिसके कारण पूरा हीमोग्लोबिन चेंज हो गया. इज इट ओके? ठीक है, देयरफॉर हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, HbA/HbA ये जीनोटाइप है, ऊपर जीनोटाइप्स ये है, या फिर ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, यही हो सकते हैं.
तीनों चाय क्या है? इसमें नॉर्मल हीमोग्लोबिन, इसमें 50% नॉर्मल एंड 50% सिकल टाइप हीमोग्लोबिन, इसमें सिकल टाइप हीमोग्लोबिन। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाइए। इसी में सिकल सेल एनीमिया की ही हम बात कर रहे हैं। कि HBS originated in ट्रॉपिकल अफ्रीका, बट नाउ फाउंड इन अमेरिका ऑल्सो ड्यू टू माइग्रेशन। बहुत सारे अफ्रीकन्स माइग्रेट कर गए हैं इसलिए वहां पे चली गई, और हेट्रोजाइगस अफ्रीकन्स से पता चला नहीं, जिससे आगे उनके बच्चों में भी ट्रांसफर हो गई। ठीक है जी, इन इंडिया इट इज फाउंड इन सम पार्ट्स ऑफ केरला, केरला में मिले, ज्यादा नहीं है। अनदर थिंग, इन अफ्रीका पीपल डाई ड्यू टू मलेरिया ऑल्सो। वहां पे मलेरिया बहुत है, मलेरिया से बहुत सारे लोग, कौन सी स्ट्रेन मिलती है प्लाज्मोडियम की जिसके कारण बहुत सारे लोग मर जाते हैं। हेट्रोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया, कौन सी? HBA HBS आर रेजिस्टेंट टू मलेरिया। देयरफॉर प्रोवाइड, ध्यान से, हेट्रोजाइगस सुपीरियोरिटी। बेटा जिनमें नॉर्मल हीमोग्लोबिन होगा तो उनमें क्या खतरा है? उनमें खतरा है कि वो मलेरिया से, हीमोग्लोबिन तो नॉर्मल है बट वो मलेरिया से मर जाएंगे। जिसमें होमोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया है उन्होंने तो मरना ही मरना है, बट इफ दे आर हेट्रोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया देन दे आर रेजिस्टेंट टू, उन्हें सिकल सेल एनीमिया तो हुआ नहीं एंड इनफैक्ट they are resistant to malaria also, right? तो हमने co-dominant की दो examples की है, एक हमने की है blood groups की और दूसरी हमने की है, that is ये भी blood से related है but sickle cell anemia, is it okay? ठीक है, एक चीज मैं आपको वैसे orally बता देती हूँ, next time करेंगे, कि यहाँ पे sickle cell HBS जो है वो क्या कर रहा है, दो इफेक्ट मेजर है उसके, एक तो वो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाता है और दूसरा वो आरबीसी की शेप भी चेंज कर सकता है। इट हैज द म्यूटेटेड एलील हैज मोर देन वन इफेक्ट, सच जीन्स आर कॉल्ड एज प्लियोमॉर्फिक जीन्स। प्लियोमॉर्फिक जीन्स मतलब व्हेन अ पर्टिकुलर जीन
affects more than one character, it is called as pleomorphic. Second thing, हमने blood groups में क्या किया कि एक जीन की तीन alleles है, IA, IB, small i. This is called as multiple allelism. इससे पहले जो हम Mendelian crosses कर रहे थे उसमें हमने हमेशा बताया एक जीन की दो एलील, एक जीन की दो एलील. बट कुछ जीन्स ऐसी है जिसकी एक दो से ज्यादा एलील्स है इन पॉपुलेशन, सो दैट इज कॉल्ड एज मल्टीपल एलीलिज्म. सो ब्लड ग्रुप शो मल्टीपल एलीलिज्म. द जीन फॉर सिकल सेल एनीमिया दे शो, एक तो कोडोमिनेंस तो है ही है, दूसरा दे शो प्लियोमॉर्फिज्म आल्सो. इज इट ओके? ठीक है, पहले ये करो, लिख लो ये करें. तो आज हम यहां तक करेंगे और इसके बाद एक्सेप्ट मतलब सिकल दैट इज मल्टीपल एलीलिज्म प्लियोमॉर्फिज्म वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम करवाऊंगी.